हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो गाइस अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 8:27। भाई अभी लॉग इन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने नाइट में 7 ऑर्डर मारे थे, ठीक है, मुझे 12 ऑर्डर मारने हैं, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो भाई मेरे को 5 ऑर्डर मारने हैं। अगर मल्टी ऑर्डर हो गया तो अच्छा हो जाएगा। तो गाइस अभी फिलहाल लॉग इन करते हैं। अभी मेरा फोन वहाँ पे है, तो अभी मैं सेल्फी देता हूँ। गाइस जितना हो सके भाई सेल्फी के साथ, मतलब बैग और टी शर्ट के साथ सेल्फी देना, सेल्फी के साथ नहीं, जोमेटो बैग और जोमेटो टी शर्ट के साथ सेल्फी देना भाई, तो आपकी आईडी टर्मिनेट नहीं होगी, डिसेबल नहीं होगी, ठीक है। तो अभी मैं फटाक से लॉग इन करता, फिर फटाफट 5 ऑर्डर मारते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और भाई का फुल एंजॉय करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक मैं सेल्फी देता हूँ, लॉग इन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो गाइस, अभी मैं जैसे लॉग इन करूँगा तो सेल्फी आएगा अपने को। तो ये देखो बैक टी शर्ट का सेल्फी मांग रहा है, तो चलो इस बैक टी शर्ट का सेल्फी दे देते। डायरेक्ट सेल्फी मत देना भाई, कैसे भी कुछ जुगाड़ करके, नहीं तो आईडी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं टी शर्ट तो पहन लिया, अभी बैग लेके सेल्फी दे। तो गाइस फाइनली अपना सेल्फी सबमिट करते ही, ये सेल्फी हो गया। अरे ये सबमिट क्यों नहीं हो रहा है बाबा। हाँ चलो गाइस, देखो गाइस 8:21 को लॉग इन किया है, ठीक है, नहीं 8:32 को लॉग इन किया है, और जिसमें मेरी ऑर्डर अर्निंग हो चुकी है 569, 7:30 ऑर्डर में। एक्चुअली आपको 8 ऑर्डर दिख रहा है, एक ऑर्डर मल्टी है ना, तो 4.5 घंटे में मेरे 569 अर्निंग हो चुकी है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे देखो कितना ऑर्डर दिख रहा है, टच पॉइंट, भाई ऑर्डर गिर गया। तो गाइस अपने को पहला ऑर्डर गिर चुका है, इसको आवाज़ कम करते। हाँ तो गाइस अपने को पहला ऑर्डर गिर चुका है, पिकअप दिखा रहा है 500 मीटर और ड्रॉप दिखा रहा है 5.9 किलोमीटर, 5.95, मतलब 6.5 किलोमीटर के आसपास पिकअप है। तो चलो गाइस फटाफट पिकअप करते हैं, फटाफट जाके डिलीवर करते हैं ये ऑर्डर को, पहले ऑर्डर का, ठीक है। और अपने को खाना खाने बाहर भी जाना है, आज पार्टी है, तो चलो भाई इसको जाके भी फटाफट पिकअप करें। चलो भाई फाइनली अपना फर्स्ट ऑर्डर पिकअप हो चुका है, इसको देना है वाकड़ में, तो कि 6 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलो गाइस जाके फटाफट से डिलीवर करते हैं इसको, ठीक है। एंड गाइस फाइनली कस्टमर की बिल्डिंग में पहला ऑर्डर लेके आ चुका हूँ, तो इसको डिलीवर करते हैं गाइस, और देखते हैं ऑर्डर के कितने पैसे मिले और कितना टाइम लगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं वाकड़ में कस्टमर की बिल्डिंग में लेफ्ट में गाइस, तो दे देते। और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। ये ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है गाइस। चलो एंड गाइस फाइनली अपना फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर हो डन। तो गाइस ये देखो मेरे को ये ऑर्डर के पैसे मिले 39.5 रुपीज, जो कि टाइम लगा 31 मिनट। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:02, और अपने को 4 ऑर्डर मारने हैं, और गाइस अपने को सेकंड ऑर्डर भी गिर चुका, मतलब गिर गया भाई, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है यार। ये देखो गाइस नेटवर्क नहीं है, एक्चुअली मैं लिफ्ट में हूँ ना, तो ये देखो भाई लिफ्ट में हो, तो भाई डिनल गया तो प्रॉब्लम होगा गाइस, तो इसको फटाफट बाहर जाके एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भाई डिनल जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है, डिनल है कैंसिलेशन, कंपनी भाई आगे पीछे देखती नहीं है। बाकी बिल्डिंग देखो एक नंबर है ना गाइस, वाओ। तो गाइस ये देखो अभी 500 मीटर का पिकअप है और ड्रॉप दिखा रहा है 4.89 किलोमीटर। तो चलो गाइस इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट डन। ओ माय गॉड, एंड गाइस 30 रुपीज़ टिप आ चुका है, वाओ। गाइस फाइनली अभी रेस्टोरेंट पे आ चुका हूँ मैं, तो चलो इसको रीच करते हैं, ऑर्डर देखते रेडी है कि नहीं। गाइस ये ऑर्डर पे मेरे को मिला 30 रुपीज़ टिप, तो थैंक यू सर। तो अच्छा गाइस ऑर्डर रेडी है, तो चलो जाके इसको पिकअप करते, ऑर्डर देना है भाई। चलो भाई मालूंगे मैंने ना, कोई बात नहीं। तो ऑर्डर रेडी है, तो चलो गाइस अंदर जाके पिकअप करते अभी, ठीक है। ये देखो फूड रेडी दिखा रहे, तो रेस्टोरेंट लेट बाय 8 मिनट। तो गाइस चलो जाके अब इसको पिकअप कर। गाइस फाइनली सेकेंड ऑर्डर पिकअप डन, तो चलो इसको जाके मालूंगे में देते हैं, जो कि यहाँ से दिखा रहे 4.89 किलोमीटर का ड्रॉप है। तो चलो फाइनल ऑर्डर मैंने कस्टमर को दे दिए, तो चलो अब इसको डिलीवर मार्क करते हैं। तो पहले कस्टमर को रेटिंग दे देते भाई, क्योंकि कस्टमर ने भाई अपने को टिप दी है 30 रुपया। तो टिप डन और डिलीवर डन, तो देखते हैं अभी कितने पैसे मिले, ठीक है। अपना वो ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, ठीक है। एक्चुअली मेरे को अभी तीसरा ऑर्डर गिर चुका है, पिकअप दिखा रहा है 2 किलोमीटर और ड्रॉप दिखा रहा है 3.5 किलोमीटर। चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट डन। और भाई वो ऑर्डर के मेरे को मिले पैसे कितने बताएगा गाइस, ऑर्डर के पैसे मिले 60 रुपीज़, एक्चुअली ट्रिप के मिले 30 रुपये और कस्टमर टिप 30 रुपये, तो टोटल मिले 60 रुपये। तो चलो अब जाते हैं तीसरा ऑर्डर पिकअप करने को, जो कि 2 किलोमीटर है, ठीक। एंड गाइस फाइनली अपना तीसरा ऑर्डर भी डिलीवर डन हो चुका है, देखते कितना टाइम लगा इसको। तो टाइम लगा गाइस 22 मिनट और पैसे मिले 30 रुपये, ठीक है गाइस। अभी टाइम हो रहा है 9:47 और अपने को और 2 ऑर्डर मानने, तो देखते भाई क्या सीन। एंड गाइस फाइनली 4th ऑर्डर लेके आ चुका हूँ कस्टमर को देने को भाई, और इसके बाद मेरे को चाहिए 1 ऑर्डर। और अपने दोस्त लोग के काफी फोन आ रहे कंटिन्यू, अरे किधर है, कितना टाइम लग रहा है, 10:00 गए तो कभी फ्री होगा, अरे बहुत भूख लगा है, उन लोगों को पार्टी देना है ना, और मैं ऑर्डर पे ऑर्डर मार रहा हूँ। तो गाइस सबको मेरे को इसके बाद एक ही ऑर्डर चाहिए, तो ये फिलहाल अभी मैं ऑर्डर लेके आऊँ, तो इसको देखते हैं कितना टाइम लगा और कितने पैसे मिले, ठीक है गाइस। तो चलो फटाफट इसको डिलीवर करते हैं, फिलहाल आप लोग को ये लिफ्ट का आवाज आता रहेगा तो परेशान आता रहेगा, उसके लिए सॉरी।
तो मैं निकलता भी ऑर्डर देने के लिए, ठीक है, मीन्स लिफ्ट में ही हूँ, इसको डिलीवर कर देगा, ठीक है। अपना चौथा ऑर्डर डिलीवर डन हो गया, तो देखते हैं इसको कितना टाइम लगा और कितने पैसे मिले, ठीक है। ये प्रोसेसिंग हो रहा है, हो गया। तो गाइस फाइनली मैं ऑर्डर डिलीवर हो गया, तो मैं कोई ऑर्डर के पैसे लिए 36 रुपीस और टाइम लगा 26 मिनट, ठीक है। और अपने को चाहिए एक ऑर्डर, तो भाई यहाँ पे ऑर्डर गिरेगा या पता नहीं। तो चलो अपन गो टू होम चालू करते हैं। गो टू होम एक्टिवेट डन। तो गाइस 10:17 को मैंने गो टू होम चालू किया, तो देखते कितने बजे ऑर्डर गिरता है अभी, ठीक है। यार गाइस अभी भी मैं कस्टमर की बिल्डिंग में ही हूँ। एक भाई बड़े बड़े बिल्डिंग में ना लिफ्ट का बहुत इशू है भाई, क्या बोलने का। एक तो 10-10, 15-15 माले पे ऑर्डर लेके जाने का, और उसके बाद ये लिफ्ट का इसे वेट करने का। भाई छोटा छोटा बिल्डिंग रहता है ना, वो परवड़ता है फटाफट जाने का और फटाफट नीचे आने का और देख के कस्टमर को निकल जाने का। इतना टाइम वेस्ट होता है ना, देखो ना अभी 1.5-2 मिनट हो गया मैं लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, क्या बोलने का भाई। तो अभी तक अब तो अपने ऑर्डर तो नहीं गिरेगा, इस गो टू होम करके 2 मिनट हो गए अपने को, तो अभी वेट करते। गिर जा भाई, गिर जा ऑर्डर, गिर जा। देखो अभी तक तो 7 फ्लोर आ गया, अभी 8 फ्लोर आ गया, और मैं फ़िलहाल हूँ 10 फ्लोर पे। अभी यह है 9th फ्लोर और ये 10th फ्लोर। भाई फाइनली 10th फ्लोर पे आ गया, ऑर्डर गिर चुका है। 5th ऑर्डर पिकअप दिखा रहा है 2.5 किलोमीटर और ड्रॉप दिखा रहा है 500 मीटर, ठीक है भाई। और मैंने कब गो टू होम चालू किया था दिखा था आपको, तो पहले भाई ऑर्डर एक्सेप्ट डन, तो इसको पहले ऑफलाइन कर देना तो मल्टी हो जाएगा। तो ये रेस्टोरेंट को पता है गाइस। तो देखो 10:17 को मैंने ऑफलाइन लेटर नहीं गो टू होम चालू किया था, ठीक है। 10:17 और 10:24 को अपने को गो टू होम में ऑर्डर गिरा, ठीक है। 2 किलोमीटर पिकअप है, 5 मिनट ड्रॉप है। तो चलो गाइस अब जाके इसको फटाफट पिकअप करके ड्रॉप करते हैं। फिलहाल अपने को पेट्रोल भी भरना है, गाड़ी में पेट्रोल कम है थोड़ा बहुत, ये देखो थोड़ा ही पेट्रोल है। तो चलो टाकी भी फुल कर लेते हैं विशालनगर में अपना पेट्रोल में, तो भाई पेट्रोल भर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने को जाना है पार्टी में। 10:24 हो रहे हैं और भाई अपने दोस्त लोग सब अपने को बुला रहे हैं। फिलहाल अभी मैं विशालनगर में, तो चलो गाइस जाते हैं इसको पिकअप। फाइनली अपना ऑर्डर पिकअप हो चुका है, टाइम हो रहा है 10:30, ठीक है। और इसको ऑर्डर को खाली देना 450 मीटर। तो चलो गाइस फटाफट से डिलीवर करते हैं। लास्ट ऑर्डर भी डिलीवर डन। तो ये देखते हैं ऑर्डर के कितने पैसे मिले और कितना टाइम लगा, ठीक है। और यहाँ पे फटाके फूट जाएंगे। ये देखो गाइस 12 ऑर्डर कंप्लीट, पहला टारगेट डन। तो 14 मिनट में मैंने ऑर्डर को डिलीवर किया और गाइस मेरे को ऑर्डर के पैसे मिले 30 रुपीज़, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है 10:37। तो भाई कस्टमर की बिल्डिंग में लाइट गया था, लिफ्ट बंद था, जो कि अभी चालू है जस्ट। तो चलो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से पहले नीचे। देखते हैं अभी कि मैंने कितने घंटे में कितना काम किया और कितनी अर्निंग हो चुकी है अपने, ठीक है गाइस। जो भी रहेगा लाइव प्रूफ आपको दिखा होगा, ठीक है। तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ लॉग इन हिस्ट्री गाइस। तो टोटल 7 घंटे के आसपास में लॉग इन था, ठीक है। 7 घंटे में अपनी ऑर्डर अर्निंग हो चुकी है, जिसमें ऑर्डर अर्निंग मैंने 13 ऑर्डर मारे, 13.5 ऑर्डर, ठीक है गाइस। यहाँ पे 6.9 दिखा रहे, मतलब 7 किलोमीटर 7 घंटे दिखा रहे। 13 ऑर्डर मेरे 12.5 ऑर्डर हो चुके गाइस, ठीक है, जिसमें 25 टच पॉइंट्स है मेरे। और मेरी ऑर्डर अर्निंग हो चुकी है, अर्निंग फॉर टुडे 785 रुपीज़, ठीक है। ये ऑर्डर अर्निंग है और ऑर्डर अर्निंग हो चुकी है 575 रुपीज़। सर्च पे मिले 160 रुपीज़, जिसमें मेरे को कस्टमर टिप है 50 रुपीज़। कस्टमर रेटिंग देखते हैं, कस्टमर रेटिंग है 90 रुपये, मतलब 9 कस्टमर ने रेटिंग दिया, मतलब 12 ऑर्डर में कस्टमर ने 9 रेटिंग दिया, ठीक है गाइस 5 स्टार। और 785 मेरी ऑर्डर अर्निंग हो चुकी है पूरी टोटल, ठीक है। तो 785 प्लस 240 रुपये इंसेंटिव आएगा गाइस। तो मेरी आज की अर्निंग हो चुकी है 7 घंटे में 1025, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मेरे को इंसेंटिव का ये वाला, ये देखो गाइस, ये देखो टारगेट, मतलब टारगेट पे, ठीक है। तो टच पॉइंट हो चुके मेरे 25 टच पॉइंट हो गए ना, तो 24 ऑर्डर मतलब 24 टच पॉइंट को 240 रुपये इंसेंटिव, ये वाला इंसेंटिव आएगा मेरे को, ठीक है। तो मतलब 12 ऑर्डर कंप्लीट हो गए मेरे 7 घंटे में। तो ये थी मेरी ऑर्डर रनिंग और मेरी गाड़ी टोटल चली है 85 किलोमीटर, जो कि समझ लो पेट्रोल लगा रहेगा 85, मतलब समझ लो 110 रुपये लीटर पेट्रोल है, ठीक है गाइस। तो 50 या 55 का एवरेज है, तो मतलब 220-250 के आसपास पेट्रोल लग गया रहेगा आज पे, ठीक है। तो टोटल अर्निंग हो चुकी है 7 घंटे में 1025, मतलब 1025 7 घंटे में मेरी अर्निंग हो चुकी है गाइस, ठीक है। जो था मैंने लाइव प्रूफ दिखा दिए। अभी भाई अपने को जाना है खाना खाने को और टाइम हो रहा है 10:45, मतलब 11 बनने को खाली 15 मिनट बाकी है। अपने दोस्त लोग भी ऑन द वे, तो चलो जाते हैं अभी खाना खाने के लिए। भाई अपना चैनल मोनेटाइज हो गया ना, तो मतलब मोनेटाइज नहीं, अभी तो मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है, तो आज नहीं तो कल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन 1K सब्सक्राइबर 4th टाइम कंप्लीट हो गया ना, तो पार्टी के लिए जा रहे। तो चलो गाइस अभी निकलते अपने लोकेशन पे, ठीक है। फिलहाल पेट्रोल भर लेते फिर जाते होटल पे।